The Miracle Morning Book Summary in Hindi: The 6 Habits That Will Transform Your Life Before 8 AM. Change your life with one of the world's highest rated self-help book. जब जिंदगी आपको बेहद मुश्किल हालातों से गुजरती लगे और कोई भी उम्मीद नजर ना आए, तो एक बात याद रखें, आपसे ही बुरे दौर से गुजरने वाले बाकी और भी हैं जो बद से बदतर हालातों में जी रहे हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप निराश होकर जिंदगी से हार मान लें। उठे और कमर कसकर इन मुश्किलों का सामना करने को तैयार हो जाए। हेल एल रोड इस बात का जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने साबित कर दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो बुरे से बुरे वक्त में भी अपनी लगन और मेहनत से उम्मीद का एक चिराग जला सकता है। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में ना जाने कितनी ही मुश्किलों का सामना किया है। वे अभी छोटे लड़के ही थे जब एक दिन उनकी छोटी बहन को गोद में लिए हुए माँ बुरी तरह चिल्लाते हुए रोई। उन्हें मालूम था कि उनकी बहन जो एक खतरनाक बीमारी के साथ पैदा हुई थी, ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगी। बावजूद इस सच के ये बात बेहद दुखद थी। उस हादसे के बाद उन्होंने और उनके माता पिता ने आगे बढ़कर उस अस्पताल के मरीजों की मदद करना शुरू किया जहां हेल की बहन का इलाज हुआ था। इस सारी घटना के दौरान उन्होंने सीखा कि दुख भरी परिस्थितियां हमेशा स्थायी नहीं रहती और ये हमें काफ़ी कुछ सिखाती भी हैं। इसके बाद उनके साथ एक और दुर्घटना घटी। उनका एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हुआ। धमाका इतनी ज़ोर से हुआ कि हेल की गाड़ी उलटकर दूसरी सड़क पर जा गिरी जहाँ पर ट्रैफिक और भी ज़्यादा था। एक और गाड़ी हेल की गाड़ी से टकराई, लेकिन हेल गाड़ी के सीट और स्टीयरिंग के बीच में बुरी तरह दब गए थे। जैसे उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन 6 मिनट बाद उनकी सांसें दोबारा चलने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी 11 हड्डियाँ टूट चुकी थी और अगले 6 दिनों में उनकी 7 सर्जरीज हुई। डॉक्टर्स ने उन्हें बोला कि अब वो कभी भी व्हील चेयर से उठ नहीं पाएंगे, लेकिन हेल ने डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद ना ही सिर्फ चलना शुरू किया बल्कि 84 किलोमीटर का अल्ट्रा मैराथन भी भागा। वो अपनी सारी इम्प्रूवमेंट्स का क्रेडिट अपने मॉर्निंग रूटीन को देते हैं, इसलिए उन्होंने 2012 में द मिरेकल मॉर्निंग बुक लिखी जिसे 27 भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है और 70 देशों में 5 लाख से ज़्यादा लोग इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं। वक्त आ गया है अपने अंदर छुपी अपार संभावनाओं को पहचानने का। इस किताब से जो 3 आवश्यक बातें उभर कर सामने आती हैं वो हैं, पहला है आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो दुनिया के तमाम बाकी लोग कर सकते हैं, और आपको इस बात पर पूरे दिल से यकीन करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल्स तक पहुंच सकें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकें। दूसरा है खुद को इम्प्रूव करने के लिए हमें अपने लिए हर रोज अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और सिर्फ तभी आप वहां पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं। तीसरा है आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आप अपनी सुबह किस तरीके से गुजारते हैं, जिसका मतलब सरल शब्दों में यह है कि आपके गोल्स आपके दिन के कामों पर डिपेंड करता है और आपका सारा दिन आपकी सुबह पर। अगर आप अपनी सुबह को अच्छा बना लेते हैं तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता है तो मिरेकल मॉर्निंग आपको वो सारे तरीके बताएगी जिससे आप जल्दी उठ सकते हैं और अपनी सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हेल्थ और माइंड के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इस बुक में दिए गए मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपना पूरा दिन अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। 95% रियलिटी चेक। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि 95% लोग उन छोटी चीज़ों के साथ जीना सीख लेते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाई है। दुख की बात यह है कि ये लोग वो सब चीज़ें पा सकते हैं जो ये अपनी ज़िंदगी से चाहते हैं। मगर अब सवाल यह आता है कि हम ऐसे क्या करें कि हम भी उन 95% लोगों में शामिल ना हो। इसके लिए
3 स्टेप्स उठा सकते हैं। पहला स्टेप है, सबसे पहले तो 95% वास्तविकता की जानकारी रखें। पहला स्टेप कहता है कि अगर हम पूरी क्षमता के साथ जीने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते तो हम भी उन 95% लोगों में शामिल होंगे जिन्होंने बिना प्रयत्न के ही हथियार डाल दिए हैं। एक बेहतर जीवन जीने के लिए मेहनत करने के बजाय हार मानकर बैठ जाना कहीं ज़्यादा आसान होगा, मगर वो जिंदगी पछतावे और दुखों से भरी होगी। वो दुख होगा हार का और अपनी नाकामयाबी का। हमें खुद को इम्प्रूव तो करना ही चाहिए और साथ में दूसरों को भी उनके गोल्स अचीव करने में मदद करनी चाहिए। इससे हम समाज में एक उदाहरण दे सकते हैं कि जो लोग पूरी मेहनत से अपने गोल्स की तरफ काम करते हैं वो कभी विफल नहीं होते। दूसरा कदम है, उन कारणों को जानें जो आपको साधारण बनाती है। खुद को मामूली समझने की मानसिकता ही आपके और आपकी सफलता के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। हम यहाँ कुछ ऐसी ही वजहें आपको गिना रहे हैं जो आपको ऐसा सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसा कि पहला है, हमेशा अपने पास्ट की बुरी चीज़ों को याद करते रहना। दूसरा है, अपने लिए बहुत छोटे गोल्स रखना और कम में ही खुश हो जाना। तीसरा है, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। चौथा है, बड़ी सोच से नफरत करना। पांचवा है, हर गलती को मजाक में ले लेना। तीसरा कदम, वक्त के साथ चलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको औरों से कुछ अलग करना है तो आज ही करिए। कल किसने देखा है, आपको कल कभी भी नहीं आएगा। जीवन में बड़े बदलाव हमारे हार्ड वर्क से ही आते हैं, इसलिए आपको जो भी करना है आज ही उसे कीजिए, क्योंकि यही सफलता की कुंजी है। जानिए आप सुबह क्यों उठे हैं। क्या आप उनमें से हैं जो अलार्म घड़ी के बार बार बजने पर भी नहीं उठ पाते और तभी उठते हैं जब उठना आपकी मजबूरी हो? तो यकीन मानिए, आप खुद अपनी सफलता की राह में खड़े हैं। अगर आप अपना दिन ही शुरू नहीं करना चाहते तो आप अपने सपनों को कैसे पाएंगे? तब तो बस सोते हुए अपने सपनों में ही जीते रहिए और बाकी लोगों को अपने सपने पूरे करते हुए देखिए, क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो तो अपने गोल्स पा ही लेंगे। सुबह की शुरुआत में हम जो महसूस करते हैं उसी सोच के साथ हमारा सारा दिन व्यतीत होता है। सुबह जल्दी उठने वाले बहुत से लोगों ने इस बात की पुष्टि की है। यदि नींद से उठने के बाद हमें लगता है कि आज का दिन बुरा गुजरेगा तो अक्सर दिन बुरा ही गुजरता है। इसके विपरीत अगर हमें सुबह जल्दी उठने से एक तरोताजा एहसास होता है तो हमारा दिन भी ऐसा ही गुजरता है। ये हमारे दिन की अवधि पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारी नींद की जरूरत पर करता है। यह मैटर नहीं करता कि आपने कितने घंटे की नींद ली। अगर आप मानते हैं कि जितनी भी नींद आपने ली वो काफ़ी है तो आप सुबह को एंजॉय कर सकते हैं। आप कितनी नींद से सो पाए इससे ज़्यादा ज़रूरी है यह जान लेना कि आपकी नींद पूरी हुई और अब आप एक शानदार सुबह का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो ये आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। मगर हाँ, यह तभी हो पाएगा जब आप पक्का मन बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर सुबह जल्दी उठना है, और फिर एक अनोखा बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। हर सुबह जल्दी जागने के लिए 5 स्नूज प्रूफ स्ट्रैटजी। पहली स्ट्रैटजी है, रात में सोने से पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। सुबह जल्दी उठने का एक बेहतर तरीका यह है कि आप सोने से पहले ही डिसाइड कर लें कि आप सुबह क्या करेंगे। जब आप इस निर्णय के साथ सोएंगे तो जाहिर है अगली सुबह भी यह बात आपको याद रहेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी 4 ऐसी चीज़ों को चुन लें जिन्हें आप सुबह उठकर पूरा करना चाहते हैं। दूसरी स्ट्रैटजी, अपनी अलार्म घड़ी को अपने बेड से दूर रख दें। अलार्म घड़ी को पहुँच से दूर रखेंगे तो उस तक पहुँचने के लिए आपका शरीर थोड़ी मेहनत करेगा और इस प्रोसेस में ही आपकी नींद भाग जाएगी। तीसरी स्ट्रैटजी है, उठते ही सबसे पहले अपने दांतों को ब्रश कीजिए। सुबह उठते ही दांत ब्रश करने में थोड़ा आलस तो आ सकता है, मगर इसके बड़े फायदे हैं। इससे आप तुरंत एक्टिव महसूस करेंगे, इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दांत ब्रश कीजिए। चौथी स्ट्रैटजी, अपने दिन की शुरुआत पानी से कीजिए। पानी हमारे जीवन की आवश्यकता है,
ना सिर्फ सुबह बल्कि दिन के किसी भी वक्त पानी का सेवन शरीर को एक नई स्फूर्ति देता है। रात भर की नींद के बाद हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए सुबह उठते ही पानी का सेवन बहुत फायदेमंद है। यह आपके आलस को दूर करके ताजगी का एहसास कराता है। पांचवी स्ट्रेटजी, शावर लें या कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला है नहाकर तैयार हो जाएं, फिर उसके बाद जो आपने रात को सोने से पहले डिसाइड किया था उन कामों को कीजिए। एक बढ़िया शावर आपको तरोताजा कर देगा, फिर आपके दिन की शुरुआत भी बढ़िया होगी। दूसरा है अपने एक्सरसाइज के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं, ताकि आपका वक्त बचे और आप अपनी मिरेकल मॉर्निंग रूटीन शुरू कर सकें, और एक्सरसाइज के बाद आप नहाने जा सकते हैं। द लाइफ सेवर्स, यानी छह ऐसी आदतें जिनकी मदद से आप अपनी सारी क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर पाएंगे। इन छह आदतों को आप सेवर्स सबसे याद कर सकते हैं। सेवर्स में एस का अर्थ है साइलेंस, यानी शांति। लाइफ सेवर्स का पहला शब्द साइलेंस है, जो हमारी दिनचर्या की सबसे अहम चीज है। हम सब जानते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी भाग दौड़ भरी और तनावपूर्ण हो गई है, इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी प्राथमिकताएं चुनें और एक शांत जीवन जीने की कोशिश करें। शांति हमें अपने भीतर झांकने का मौका देती है। आप जितना शांत रहेंगे तनाव को उतना ही दूर करेंगे। शांत चित्त रहने से आप खुद के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं, जिससे आप किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है विचारों का स्पष्ट होना और सेल्फ अवेयरनेस। एक शांत मन से ही आप सेल्फ अवेयर हो सकते हैं और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। खुद को शांत रखने का चाहे जो तरीका आप चुने, यह आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमेशा काम आएगा। आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं, या फिर गहरी लंबी सांस लेने का अभ्यास कर सकते हैं। सेवर्स में एक अर्थ है अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी खुद को मैसेज देना। मोहम्मद अली हमेशा अपने आप से कहते थे कि मैं महान हूँ, और इसका नतीजा हमेशा वही रहा जो उन्होंने अपने बारे में यकीन से कहा था। खुद पर विश्वास एक चमत्कार की तरह काम करता है। यह आपको वो बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। मगर आपको विश्वास है कि आप महान हो तो आप महान बनोगे। अगर एक इंसान चाहे तो अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव ला सकता है। यह हम मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर ही हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। हमारी कमजोरियां ही हमारी सपनों और हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। मगर जरूरत इस बात की है कि हम इन कमियों को जितना हो सके उतना दूर करें। अपने भीतर झांक कर ही हम खुद से सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारी कमियां हैं, उन्हें दूर करके अपनी अच्छाइयों को उभार सकते हैं। यह आदत हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने में मदद करेगी। अपने आप से क्या अफर्मेशन करनी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी इच्छाएं, आपका लक्ष्य क्या है। वो कारण जो आपका लक्ष्य तय करते हैं, वे लोग जिनकी आप चिंता करते हैं, ऐसे शब्दों का चुनाव जो आपको मोटिवेट करते हैं। सेवर्स में वी का अर्थ है विजुअलाइजेशन। वी इज फॉर विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आप अपने ब्रेन में वो मेंटल इमेजेस बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। एक तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज है, जहां कोई व्यक्ति अपने सपनों को कल्पना के जरिए पूरा होते हुए देखता है। बार बार इसकी कल्पना उसे अपने सपनों की याद दिलाती रहती है, जिससे वो और भी बेहतर तरीके से अपनी कोशिशों में जुट जाता है। अक्सर खिलाड़ी इस प्रक्रिया को अपने प्रदर्शन में बेहतर परिणाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जीत की कल्पना करते रहना आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करती है। मगर हम में से बहुत लोग बीती हुई घटनाओं को अपने मन में दोहराते रहते हैं, जिससे हमें सिवाय दर्द और तकलीफ के और कुछ नहीं मिलता। जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, मगर उसे याद करके हम अपनी जीत को जरूर खो देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम कुछ अच्छी चीज़ों की कल्पना करें जो हमें प्रेरणा दे सके। ऐसे कुछ स्टेप्स जिन्हें अपनाकर आप अच्छे तरीके से विजुलाइज
कर सकते हैं, जैसा कि शांत रहने की कोशिश कीजिए और गहरी और लंबी सांस लेते रहें। अच्छे रिजल्ट्स की कल्पना कीजिए, सोचिए कि जो आपने चाहा है वो प्राप्त होगा। खुद को यकीन दिलाने वाले शब्दों को मन में दोहराते रहें। जैसा आप बनना चाहते हैं उसकी कल्पना करें। खुद को अपने ख्यालों में एक खुशहाल व्यक्ति दिखाएं जो अपने सभी जरूरी काम ठीक से कर रहे हैं। सेवर्स में ई का अर्थ है एक्सरसाइज। सुबह सुबह का व्यायाम हमारे शरीर और दिमाग को बहुत फायदा पहुंचाता है। इसे एक हैबिट बना लीजिए, ये आपकी सुबह को एनर्जी से भर देगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो बेहतर विचार खुद ही आपके दिमाग में आने लगेंगे। ये आपको फोकस करने में बहुत मदद करेगी। एक्सरसाइज से हमारे भीतर कई पॉजिटिव बदलाव आते हैं। आपका मन और दिमाग शांत होने लगता है, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शंस में फ्लो होती है। यही कारण है कि किसी भी टाइप की एक्सरसाइज के बाद आपका मूड अच्छा होने लगता है। इसलिए अपने जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने के लिए हर सुबह कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। सेवर में आर का मतलब है रीडिंग। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ना आपकी ज़िंदगी को पूरे तरीके से बदल सकता है। ये एक अकेली ऐसी आदत है जिसे जीवन में अपनाने से किसी की भी जीत पक्का है। जितना अधिक आप पढ़ते हैं आपको उतने ही नए आइडियाज़ आते हैं जिनको आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके सक्सेसफुल बन सकते हैं। जब भी आप कोई नई किताब पढ़ते हैं आप उन लोगों से सीखते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंसेस है, नए आइडियाज़ हैं। ये लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए किताबों में दिए गए इनके आइडियाज़ से हमेशा सीखते रहिए। अगर आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप उन गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं जो इन लोगों ने की थी, और इसी वजह से आपको जीत बहुत जल्दी मिल सकती है। पढ़ना यदि आपको उबाऊ लगता है तो घबराइए नहीं, थोड़ा ही सही पर कुछ ना कुछ रोज़ पढ़िए और फिर धीरे धीरे ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। एस का मतलब है स्क्राइब यानी लिखना। स्क्राइबिंग से आप अपने अंदर चल रहे उन सब इमोशंस को शब्दों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जो आपके अंदर चल रहे हैं। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालिए, इससे आपको मन में दबी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। आप खुद को और भी बेहतर तरीके समझेंगे। जो कुछ अच्छा बुरा आप महसूस करते हैं उसे लिख डालिए। मिराकल मॉर्निंग के रूटीनों में अपने आइडियाज़ को लिखना भी शामिल है जिससे आपका दृष्टिकोण स्पष्ट हो सके। ऐसा करने से आप ये भी समझ जाएंगे कि आप अपने गोल्स के पास हैं या दूर हैं। सबसे पहले तो जो आप पाना चाहते हैं उस संबंधित सभी बातों को डिटेल से लिख कर रखिए। हर रोज़ उस बारे में लिखने से आप अपने लक्ष्य कभी नहीं भूलेंगे। याद रखिए कि मुश्किल काम भी आसान है अगर आप मान लें कि वो आसान है। शुरुआत में आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा, फिर यह धीरे धीरे आपके लिए सरल होता चला जाएगा। 6 मिनट देकर मिराकल मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करें। आजकल की ज़िंदगी बहुत व्यस्त हो चुकी है। आप यह सोच सकते हैं कि आपके पास इन सब चीज़ों को करने के लिए वक्त ही कहाँ है। इसलिए तो 6 मिनट मिराकल मॉर्निंग को खास आपके लिए तैयार किया गया है। पहला मिनट है एक बेहद शांत मन के साथ जागने की कल्पना करें। सुबह हड़बड़ाहट में उठकर अपने दिन की शुरुआत करना किसी भी सूरत में एक खुशी का एहसास नहीं देता। इसलिए सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठने के फ़ायदों के बारे में सोचें। जब आप नींद से उठ रहे हैं शांत रहें, कोई जल्दीबाजी न करें। दूसरा मिनट है मन ही मन खुद को वो शब्द बोलें जो आपको मोटिवेट करते हैं। इससे आप में एनर्जी आएगी और आपको अपने गोल्स याद आएंगे। इससे आपको जानने में मदद मिलेगी कि आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है और आप अपने डिसीजंस को अच्छे से कर पाएंगे। 3रा मिनट हर वक्त अपनी जीत की कल्पना कीजिए। जो आप जीवन से चाहते हैं उसे पा लेने की कल्पना कीजिए। अपने मन मस्तिष्क को इसी लक्ष्य की प्राप्ति में लगा दीजिए और ये महसूस कीजिए कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। 4था मिनट है आप क्या महसूस करते हैं, ऊपर वाले के प्रति आप कितने आभारी हैं। इन सब बातों को एक कागज में लिख डालिए। उन लक्ष्यों के बारे में लिखिए जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने अब तक हासिल किया है वो सब लिखिए। लिखने की आदत आपको सफलता के लिए और भी प्रेरित करती रहेगी। 5वां मिनट है अभी इसी वक्त से पढ़ने की आदत डालें। कुछ ऐसा पढ़ें जो आपको मोटिवेट करे, उम्मीद जगाए, कुछ ना कुछ नया सीखिए। पर सीखिए जरूर, ये नए आइडियाज हो सकते हैं, स्ट्रेटजीज हो सकती हैं
किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है। छठा मिनट है, ये आखिरी मिनट अपने शरीर के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने तन मन को चुस्त रखने के लिए कोई ना कोई एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज हमारा फोकस बढ़ाने में मदद करती है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। दौड़ना, चलना या पुशअप्स, आप कुछ भी चुन सकते हैं। कोई भी लक्ष्य पूरा करने के लिए आपके अंदर भरपूर ऊर्जा होनी चाहिए, और जो हमें एक्सरसाइज से ही मिलती है।